सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। डोकलाम मामले पर मिली हार को चीन पचा नहीं पा रहा है, लिहाजा वो सीमा पर एक बार फिर से भारत से भिड़ने की बड़ी तैयारी कर रहा है। चीन सीमा पर जासूसी के लिए मानव रहित हेलीकॉप्टर और ड्रोन को तैनात करने की योजना बना रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA अपनी आगामी सैन्य कार्यवाही के लिए मानव रहित हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि चीन सीमा पर फिर से भिड़ने की तैयारी कर रहा है। मानव रहित हेलीकॉप्टर व ड्रोन के परीक्षण और उत्तरी डोकलाम में सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाना उसकी इसी साजिश का हिस्सा लग रही है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि चीन गर्मी आते ही सीमा पर फिर से विवाद शुरू न कर दे। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झान लांग एक मानव रहित हेलीकॉप्टर है जो बम के साथ आसमान में काफी ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।